तब जो नए तथ्य सामने आ जाए उनमें ये उजागर हुआ है, इतिहासकारों ने ये लिखा है कि आजादी की लड़ाई अम्बाला से शुरू। 57 में तो कांग्रेस थी ही नहीं, कांग्रेस तो 1885 में बनी ना, तो 1857 में कहाँ थी? तो आजादी की लड़ाई तो हिंदुस्तान में 1857 से शुरू हो गई थी। अब तक किताबों में यही पढ़ा गया कि 1857 की क्रांति बंगाल के बैरकपुर से शुरू हुई, फिर मेरठ में धधकी। लेकिन हरियाणा की सरकार कहती है कि ये क्रांति मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई। जो इतिहास में हमने पढ़ा है, जो इतिहास में हमने सुना है, क्या आप उससे इत्तिफाक नहीं रखते हैं? देखिए, इसके ऊपर फर्दर स्टडीज हुई है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केसी यादव थे, उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च वर्क किया है और उनकी किताबें भी पब्लिश हुई हैं, और उसमें उन्होंने ये तथ्य निकाले हैं कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हो गई। हरियाणा सरकार कहती है कि अंबाला में सबसे पहले क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घेर लिया था। नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई को मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार लेकर यहां पर अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया था। इतिहास कहता है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का अहम रोल था, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तब तो कांग्रेस थी ही नहीं। कांग्रेस ने देश को हमेशा यही पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले ये 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन लोगों को आगे नहीं आने दिया। अनिल विज तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को गलत इतिहास पढ़ाया, आने वाले वक्त में लोग सही इतिहास पढ़ेंगे। जब सच्चाइयां सामने आ गई हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अंबाला में मेरठ से 9 घंटे पहले शुरू हो गई थी। हरियाणा सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं वही इतिहासकार यूवी सिंह कह रहे हैं। मेरा शोध ये कहता है कि मेरठ से 8 व 9 घंटे के लगभग पहले अंबाला में 60वीं और 5वीं नेटिव इन्फेंट्री ने ये रिवॉल्व। मगर 1857 की क्रांति से जुड़े ये सवाल उठे ही क्यों? इस सवाल के जवाब के ये अंबाला में बन रहा शहीद स्मारक है। 22 एकड़ में बन रहे इस स्मारक में 1857 की क्रांति का पूरा सार अंकित किया जाएगा। इसकी दीवारों में उकेरे जाएंगे क्रांतिकारियों के किस्से। इसके आंगन में रची जाएगी क्रांति की वो आयतें जो आजादी के दीवानों ने लिखी। मगर ये स्मारक बने इसके पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इस स्मारक में 200 फीट का एक कमल का फूल लगाया जाएगा। इसको बोला जाता था रेवोल्यूशन ऑफ कमल, लोटस एंड चपातीस। तो इस करके हमने एक सिंबॉलिक इसमें ले लिया, एक कमल बना रहे हैं हम, 200 फुट ऊंचा कमल जो कि पानी के बीच में रहेगा। शहीद स्मारक में कमल के फूल को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। वो सवाल कर रही है कि शहीद स्मारक में कमल के फूल का क्या औचित्य है? 2007 में हुडा साहब ने 1857 क्रांति के मेमोरियल का एक जो प्रोजेक्ट है मंजूर किया था अंबाला कैंट में, और ये जब अब बनने को तैयार है तो खबर आ रही है कि इसमें कमल का फूल लगा के इसका उसका क्या औचित्य है कमल के फूल के लगाने का, मुझे 1857 की क्रांति में उसका क्या औचित्य था? कांग्रेस के सवालों का जवाब हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज इस तरह देते हैं कि 18 पढ़ाया ही जाता था कि जब उन्होंने पैगाम भेजा था कि कौन कौन सहमत हैं तो वो कमल का फूल और रोटी भेजा करते थे। 1857 की क्रांति को याद रखने के लिए, शहीदों के पराक्रम को दुनिया के सामने रखने के लिए अंबाला में ये शहीद स्मारक बन रहा है। मगर इस स्मारक के बनकर तैयार होने के पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। 1857 की क्रांति की यादगार में जो भव्य स्मारक बन रहा है, इसके अंदर 200
फीट ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा कमल का फूल बनेगा, जिसकी परछाई पानी के अंदर दिखाई देगी। इतना ही नहीं, इसकी दीवारों पर लिखा जाएगा कि भारत की आजादी की लड़ाई 1857 में अंबाला से शुरू हुई थी और इस लड़ाई में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। इस स्मारक पर 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये स्मारक बन रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, लग ऐसा रहा है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस भव्य स्मारक पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद होना तय है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, अंबाला, आज तक।